हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट भी जल्दी आ जाएगी, सिलेबस भी जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं वो तो उसमें रहेंगे ही, बाकी हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो जाए नए सब्जेक्ट्स में। तो जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको ही हम लेके चलते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट आपका आता है बिल्डिंग मटेरियल, तो मैं क्या करूँगा ना कि जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने पहले बनाए थे पढ़ने के लिए, और इसी से मैंने प्रिपरेशन करी थी RSMSSB JEE की, और फिलहाल PWD में मैं काम कर रहा हूँ, तो ये नोट्स आपके लिए भी काफ़ी कारगर साबित होंगे। अब जिन ट्रिक्स की मैं बात किया करता था उन ट्रिक्स को मैं आपको इसमें बारी बारी से समझा दूंगा, और ये याद करने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आप सोच नहीं सकते इतना आपकी हेल्प करेगा ये, क्योंकि जब एग्ज़ाम आपका होगा तो वो MCQ एग्ज़ाम है, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है। कोई नहीं पूछने वाला कैसे किया, क्यों किया, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन सही टिक किया है तो आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे, सीधी सी बात है, और अगर नहीं किया है तो माइनस में चले जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रिक्स ऐसी बनानी पड़ेगी। देखिए, MCQ एग्ज़ाम में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है बिना कन्फ्यूज़न के उनको याद रखना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएंगे ना चारों, तो याद करने की दिक्कत उतनी नहीं है, मतलब पढ़ने की दिक्कत उतनी नहीं है, पढ़ तो आप सभी लोगे, लेकिन उसको याद रखना और बिना कन्फ्यूज़न के याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे ना, हम ट्रिक्स की मदद से जो मैंने बनाई थी वो ही आपके काम आएंगी, और उनसे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत ही हद तक क्लियर हो जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी को हम शुरू करेंगे। पहला जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल, और बिल्डिंग मटेरियल में आपने देखा है कि जो रॉक्स हैं, जो स्टोन हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं और हर बार आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपने देखी होगी कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है, कैलकेरियस, सेडिमेंट्री, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आम है जो आप देखते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो भी आपको मिलेंगे। तो हम इसे से शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम स्टोन्स का, ठीक है, स्टोन्स मतलब कि रॉक्स का, इसको स्टोन कह लो या फिर इसको हम रॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रॉक्स में देखिए क्या होता है, तीन तरीके का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमारे पास होता है। पहला होता है जियोलॉजिकल, दूसरा होता है फिजिकल, और तीसरा होता है केमिकल। ये तीन प्रकार की रॉक्स हम देखते हैं जनरली, या फिर कह लो कि तीन पार्ट में रॉक्स को बांटा जाता है। अब इन तीनों के ही कुछ कुछ क्लासिफिकेशन फर्दर भी हैं, तो एक तो कन्फ्यूज़न यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस पे कितने तरह की रॉक्स होती हैं, या फिर कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, और तीन ये ऑप्शन दे देगा, और चौथा मान लो यहाँ से दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का बेस्ड नहीं है। तो अब कैलकेरियस होता तो केमिकल है, लेकिन हमें याद नहीं है या हमें कन्फ्यूज़न है, तो हम जियोलॉजिकल में करके आ देंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम ट्रिक्स की मदद से डिफ्रेंशिएट करें और याद करें वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ जियोलॉजिकल पे। तो जियोलॉजिकल में मैंने पकड़ा था सिर्फ जियो। तो जियो की क्या है, हम सभी के मोबाइल में जियो की सिम है जिसमें से हम नेट चलाते हैं, तो मैंने ऐसे को ट्रिक बना दिया, मैंने बना दिया जियो की सिम। सिम से क्या बनेगा, एस से बनेगा सेडिमेंट्री, आई से बनेगा इग्नियस, और एम से बनेगा मेटामॉर्फिक। अब ये चीज़ भूलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। जियो की सिम आसान है, बहुत ही याद रखना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और ऐसे अगर आप पढ़ के याद करोगे तो कन्फ्यूज़न होगा और भूल भी जाओगे। क्यों, इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। देखो, हमारा जो माइंड है ना, वो इस तरीके से काम करता है कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं या जो चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं वो तो हमें याद रहती हैं, और बाकी चीज़ें जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो हम नहीं देख पाते हैं सोच के, वो हमें याद नहीं रहती हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ इग्नियस की, तो इग्नियस से क्या आएगा दिमाग में, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जियो की सिम, तो वो आपके दिमाग में कुछ सीन तो एटलीस्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो पहली हमारी ट्रिक होगी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस पे कितने तरह की चट्टानें होती हैं, तीन तरीके की होती हैं, तीन तरह की रॉक्स होती हैं, इसका ट्रिक बना दिया जियो की सिम। जियो का मतलब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस पे, और सिम का मतलब हो जाएगा सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। क्लियर, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, इसको आपको याद रखना है। जब आप रिविजन करोगे तो इसको याद रखो, और इस लेक्चर को अगर आप बिना कॉपी पेन के देख रहे हो तो उसका मतलब नहीं है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत मदद करेंगी। जितना आप पढ़ने में टाइम दे रहे हो उतना इनको भी अगर आप दो तो आपका सिलेक्शन PWD में पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने की हैं, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है फिजिकल। फिजिकल में देखिए, वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा सा, तो फिजिकल का मतलब ये है कि जो हम देख पा रहे हैं उसमें अंदर की कोई बात नहीं है, सिर्फ बाहर से देख के पता लगा सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो इस तरह से लेयर्स बनेंगी या फिर लेयर्स नहीं बनेंगी,
ठीक है, दो तरीके की चट्टानें होती हैं, तो स्ट्रेटिफाइड हो सकता है यानी कि लेयर वाइज जो होती है, ठीक है, लेयर वाली जो चट्टानें हैं वो, और दूसरा होता है अनस्ट्रेटिफाइड। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इसकी ट्रिक बना सकते हो कि मैंने तो बनाया था फिर से अनसेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, हो गया, या फिर आप बना सकते हो कि फिजिक से अनसेटिस्फाइड है। फिजिक मतलब कि बॉडी, तो कोई बंदा है जो अपनी बॉडी से क्या है अनसेटिस्फाइड है, यानी कि वो चाहता है कि मैं और अच्छी बॉडी बनाऊँ, जिम जाऊँ, तो ऐसा आप बना सकते हैं। तो फिजिक्स से अनसेटिस्फाइड, तो अनसेटिस्फाइड से क्या हो जाएगा, अन से हो जाएगा अनस्ट्रेटिफाइड, और सेटिस्फाइड जो है वहाँ से हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, सिमिलर सिमिलर सा है, स्ट्रेटिफाइड सेटिस्फाइड, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और लॉजिकल भी कर सकते हो इसको, तो कि एक में जो आपको लेयर है वो मिलेगी, दूसरे में लेयर नहीं मिलेगी, तो दूसरा क्लियर हो गया। उसके बाद में आ जाओ तीसरा, केमिकल। केमिकल में देखिए कौन से हैं, सिलिसियस, आर्गिलेसियस और कैलकेरियस, ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो बनाई थी कैसी कार। कैसी कार से क्या हुआ, देखो कैसे बनेगा केमिकल, सी से बनेगा सिलिसियस, और कार, कार से बनेगा कैलकेरियस और आर्गिलेसियस। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कैसी कार, ठीक है। अब इसके कहानी आप चाहे कुछ भी बना सकते हैं, इसके आगे पीछे की कहानी आपकी मर्जी है, जो आप इमेजिन कर सकें ईजिली वो कहानी बनाओ, ठीक है। मैं बता दूंगा तो हो सकता है कि वो आपके दिमाग में उतना तेज़ी से ना दौड़े, ठीक है। तो ये इस तरह से है, इसमें तीन हमारे पास में थी, सिलिसियस, आर्गिलेसियस और कैलकेरियस, तो हो जाएगा कैसी कार, राइट। तो ये आपका पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट है क्लासिफिकेशन का, राइट। तो ये ट्रिक्स जो हैं वो आपको मदद करेंगी इन चीज़ों को याद करने में। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, कुछ ट्रिक्स आपको हो सकता है ऑलरेडी मार्केट में मिल जाए, लेकिन उन ट्रिक्स में बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। और इनकी अब अंदर फर्दर डेफिनेशंस भी होती हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करें इग्नियस में, तो इग्नियस में देखिए क्या है, इग्नियस में जो होता है वो होती है मोल्टन मैग्मा से बनती है चट्टाने, ठीक है, पिघला हुआ जो मैग्मा होता है ज्वालामुखी का, उससे बनती है चट्टाने। तो यहाँ से मैंने ट्रिक जो बनाई थी वो बनाई थी क्या, इग्नियस का पकड़ लिया आई और मोल्टन का पकड़ लिया एम, यानी कि आई एम। अब आई एम का आप कुछ भी कहानी बना सकते हो, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए जूनियर इंजीनियर, कुछ भी बना लो, ठीक है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में सेडिमेंट्री मतलब कि कायांतरित हैं, तो एक से दूसरे रूप में चेंज हो जाएंगी, ठीक है, और सॉरी मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फिक जो है वो एक से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, इनको बोलते हैं कायांतरित चट्टाने। और इसका जो है वो होता है कि जब ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है तो ये कन्वर्ट होती हैं मेटामॉर्फिक चट्टानों में, राइट। तो ये कुछ डेफिनेशंस भी हैं आगे जो हम फर्दर भी देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, डिटेल में मैं आपको एक एक को बता दूंगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और वॉल्केनिक, ये तीन तरह के हैं जिसमें से हाइपरबेसल का क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो देखिए प्लूटोनिक जो है वो बन जाएगा ग्रेनाइट, हाइपरबेसल जो है उसका एग्जाम्पल है डोलोमाइट, और वॉल्केनिक का एग्जाम्पल है ट्रैप एंड बेसाल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो क्लासिफिकेशन हुआ, अब इसकी आप ट्रिक जो मर्जी बना सकते हो, आपको जो याद रहे वो आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर बात करें प्लूटोनिक की, ठीक है, तो इनकी ट्रिक हालांकि मैंने लिखी हुई नहीं है क्योंकि मुझे ऐसे ही याद रहता था, तो आप चाहो तो इनकी बना सकते हो। जैसे बात करें प्लूटोनिक, तो प्लूटोनिक का पकड़ सकते हो आप प्लूटो, प्लूटो क्या है, एक ग्रह है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया प्लूटो, और प्लूटो क्या है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से मैंने बना दिया क्या कि ग्रहण, तो प्लूटोनिक से बना दिया मैंने क्या कि प्लूटो एक ग्रह है जिस पे क्या लग गया, ग्रहण लग गया, ठीक है। तो कुछ इमेजिन कर सकते हो आप, एटलीस्ट प्लूटो को इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि कोई हमने जो है आकाशगंगा की बहुत फ़ोटो देखी है, जिनमें हमने मंगल ग्रह की फ़ोटो देखी है, पृथ्वी की देखी है, तो उसी तरह से प्लूटो की भी इमेजिन कर सकते हो। तो प्लूटो कोई ग्रह है जिस पे ग्रहण लग गया, ग्रहण हमने देखा है, ठीक है, तो वो भी हम सब इमेजिन कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्लूटोनिक और ग्रेनाइट को अगर आप देखोगे तो उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि दोनों ही आपने देखा नहीं है, इसको आप इमेजिन कर सकते हो। तो एक ट्रिक ये हो गई। दूसरा आता है आपके हाइपरबेसल, तो इसके एग्जाम्पल है डोलोमाइट, तो डोलोमाइट का इसका ऐसे कर सकते हैं हम कि हाइपरबेसल का मैंने पकड़ा सिर्फ इतना सा पार्ट, मैंने क्या पकड़ा, हाई बीपी, ठीक है, हाई बीपी, तो हाई बीपी, हाई बीपी होता है तो हम क्या लेते हैं, हम डोलो गोली ले लेते हैं, डोलो एक गोली आती है बुखार की, वैसे तो ये बुखार की है, तो इसको आप चाहो तो हाई फीवर भी कर सकते हो, लेकिन ये पी बी बन रहा है तो मैंने इसको बीपी कर दिया, ठीक है, याद रखना आसान होगा। तो हाई बीपी जब होता है तो मैंने क्या करता हूँ, डोलो गोली खा लेता हूँ, और उससे मेरा बीपी जो है वो कंट्रोल आ जाता है, हालांकि डोलो गोली जो है बुखार की है, लेकिन हम ट्रिक के लिए बना रहे हैं, और ट्रिक जो भी है उसको मैं इस तरह से इसमें बंद कर देता हूँ सर्कल में, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो आता है आपका वो आता है वोल्केनिक, वोल्केनिक मेरे को
ऐसे ही याद था ट्रैप और बेसल्ट, क्योंकि वोल्केनिक बेसिकली वो है जो वोल्केनो उठता है, ज्वालामुखी उठता है, उसके बाद जो बाहर उनका मैग्मा आया है उससे ये चट्टानें बनती हैं और ये सरफेस पे ही होती है दोनों। तो ट्रैप और बेसल्ट इसका जो है एग्जाम्पल है, और इसकी भी आप चाहो तो ट्रिक बना सकते हो कुछ भी। देखिए यहाँ से वोल्केनिक से आप उठा सकते हो वोल, वोल से मतलब क्या कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, म्यूज़िक की बात हो रही है, तो म्यूज़िक के जो बात हो रही है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो बास, ठीक है, म्यूज़िक का बास होता है। आपने जो सेटिंग कभी देखी हो अगर म्यूज़िक की, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मिलेंगी दो तीन चीज़ें, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है, बास होता है, एप्टीट्यूड एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती हैं, और इसी तरह से एक ट्रैप है, राइट। तो ये तीन चीज़ें आपको ट्रिक से याद करनी है। उसके बाद में एक चीज़ आती है आपकी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसी रॉक है, स्ट्रेटिफाइड है या अनस्ट्रेटिफाइड है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा था कि इग्नियस का लास्ट का जो वर्ड पकड़े दो, तो उसमें खुद ही में अपने नाम में ही आ रहा है यूएस, यूएस का मतलब अनस्ट्रेटिफाइड, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, लेकिन इससे काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करेगी, वहाँ पर ये सब जो पढ़ाई की है ना आपने, वो सब कन्फ्यूज़न दिमाग में क्रिएट करता है और फिर कुछ याद नहीं रहता है। तो इग्नियस जो है उसका आप लास्ट का वर्ड पकड़ेंगे यूएस, खुद कह रहा है अपने आप से ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के कह रहा है कि मैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक हूँ, तो ये क्वेश्चन आते हैं, उसी से मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ अब आगे कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के किसी भी जेई एग्ज़ाम के, तो ये क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। अब इसको याद करने के लिए हो सकता है ऑलरेडी आपको मार्केट में कुछ ट्रिक्स मिल जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो ट्रिक्स शुरू होती हैं किसी अदर वर्ड से, ठीक है। इग्नियस की जो ट्रिक है वो किसी और ही वर्ड से शुरू हो रही होगी, तो होगा क्या कि जब हम ये पूरी बुक करेंगे और हमारे पास में 2-3 हज़ार ट्रिक्स होंगी, तो फिर अगर एग्ज़ाम में हमारे पास में ये आता है तो हमें वो ट्रिक याद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो पहला वर्ड है वो हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो अलग ही कहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार इसकी ट्रिक कौन सी थी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने जो काम किया है वो ये किया है कि मैंने जितनी भी ट्रिक्स बनाई है वो सारी मेरी क्वेश्चन से ही स्टार्ट होंगी, यानी कि जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी से मेरी ट्रिक्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर वो पूछेगा कि भाई इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो मेरी जो ट्रिक है वो इग्नियस से ही स्टार्ट हो रही है, ताकि आप ईजिली यहाँ तक पहुँच पाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इग्नियस तो कुछ होता नहीं है, तो इग्नियस तो मुझे इमेजिन होता नहीं है, तो मैंने इग्नियस को क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया, क्योंकि इंग्लिश को मुझे अच्छी तरह से इमेजिन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इंग्लिश हम सब ने पढ़ी है, इंग्लिश से हम सब फैमिलियर हैं, तो कुछ भी ऐसा कन्वर्ट कर दो जो फैमिलियर हो, जो आपके लिए नया ना हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने कर दिया कि इंग्लिश ग्रामर दोबारा पढ़ाओ। अब यहाँ से क्या क्या बना, देखिए इंग्लिश से बन गया इग्नियस, तो इग्नियस से मेरी ट्रिक शुरू हो रही है, मतलब कि इग्नियस के ये एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं, तो ग्रामर से बन जाएगा ग्रेनाइट, दो बारह तो दो से बन जाएगा डोलोमाइट, और बारह तो बा से बन जाएगा बसाल्ट, और पढ़ाओ तो यहाँ से बन जाएगा मेरा ट्रैप, दो बारह पढ़ाओ, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर दोबारा पढ़ाओ। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो दोनों है ना, बसाल्ट और ट्रैप, ये हमेशा एक साथ ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर, तो अगर आपने एक को पकड़ लिया तो दूसरे को आप उसके साथ आराम से टिका सकते हो, कहीं कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है। ये भी मैग्मा से बनता है, जो ज्वालामुखी आता है उसके बाद जो बाहर मैग्मा फैल जाता है उससे बनता है, और ये भी सेम ही तरह से बनता है, दोनों ही सरफेस पर पाए जाते हैं, तो इन दोनों को आप एक साथ रख सकते हो, ठीक है। तो ट्रिक हमारी बन गई इंग्लिश ग्रामर दोबारा पढ़ाओ, यानी कि इग्नियस के एग्जाम्पल हो गए ग्रेनाइट, ग्रामर से बना ग्रेनाइट, दो बारह तो दो से बना डोलोमाइट, बा से बना बसाल्ट, और बसाल्ट के साथ में ट्रैप हम रख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ ही रखना है, क्लियर। उसके बाद में अब आ जाओ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री में क्या है कि सेडिमेंट्री का मैंने पकड़ा सेडी, और सेडी से मैंने बना दिया साड़ी, आप चाहो तो साड़ी बना दो, आप चाहो तो सोडी बना दो, ठीक है। सोडी तारक मेहता में जो आता है वो करेक्टर भी आप ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या इमेजिन कर सकते हो। अब मैं 4 साल पंजाब में रहा हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, तो इसलिए मैंने इसको पंजाबी में कन्वर्ट कर दिया ट्रिक को। तो मैंने क्या बोला कि साड़ी जीप तो लाली सोई चक्के ले गई, चक्के ले गई मतलब कि उठा के ले गई, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बना दी क्योंकि मुझे पंजाबी याद रहती है, आप हो सकता है इसको कुछ और बना दो, ठीक है, आप जैसे भी इमेजिन करके रिलेट कर सको वैसे ही आपको ट्रिक बनानी है, क्योंकि याद तो आपको रखनी है अल्टीमेटली। मैं तो आपको सिर्फ तरीका बता सकता हूँ कि आपका दिमाग सोचे कैसे कैसे ट्रिक बनाए।
तो देखिए ये शुरू हो रही है सेडिमेंट्री से, तो याद रखना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको एक बार सेडिमेंट्री क्वेश्चन में मिल जाता है तो वहाँ से आपको इतना पता लग जाता है कि हाँ मेरी जो ट्रिक थी वो साडी या फिर सोडी जैसे भी आप बनाते हो उससे शुरू हो रही है। तो मेरे लिए आसान था, याद रखना साडी जीप तो लाली शोल चक्के लग गई। अब इससे क्या बना, साडी से बन गया सेडिमेंट्री, जीप, जीप से बन गया क्या, जिप्सम, ठीक है, लाली, लाली से क्या बन गया, लैटराइट और लिग्नाइट, दो चीज़ें हो गई, लाली यानी कि LA, तो यहाँ से लैटराइट और ये लिग्नाइट, ठीक है। शॉल, शॉल से मैंने बना दिया क्या, शेल, ठीक है, शॉल से बना दिया शेल। और चक्के लग गई, चक्के मतलब हो गया चौक, और ले गई, गई से हो जाएगा मेरा ग्रेवल, राइट। तो ये मेरी इस तरह की ट्रिक है, सेडिमेंट्री, जिप्सम, लेटराइट, लिग्नाइट, शेल, चौक और ग्रेवल, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आएगा आपके कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो स्ट्रेटिफाइड है कि अनस्ट्रेटिफाइड है, तो सेडिमेंट्री का एस और स्ट्रेटिफाइड का एस, तो यहाँ से ये पता लग गया कि भाई सेडिमेंट्री जो है मेरी वो स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंदर आती है, ठीक है। पहला पहला वर्ड पकड़ लिया, जैसे कि इंडिया सीमेंट ट्रिक बनाई थी कि लास्ट के दो वर्ड पकड़े तो मेरा यू एस आ रहा था यानी कि अनस्ट्रेटिफाइड था, सेडिमेंट्री को पकड़ा तो मैंने स्ट्रेटिफाइड आ गया क्योंकि एस यहाँ पे एस यहाँ पे। तो कुछ भी इस तरह के ट्रिक्स आपको बना लेनी है जो आपको एग्जाम में हेल्प करें, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है और नेगेटिव मार्किंग तो आपकी है ही। उसके बाद में आती है मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फिक की क्या ट्रिक थी, मत कर लेट गणेश कुमार। अब ये कैसी ट्रिक है, मत से बन गया मेटामॉर्फिक, MET, मत, ठीक है, तो मत से बन गया मेटामॉर्फिक। कर, कर से बन गया क्वार्टजाइट, ठीक है। इसको एक्चुअली में देखें तो इस तरह से हम कर पढ़ सकते हैं इसको, QUAR, तो मैंने इसको कर दिया कर, तो कर से बन जाएगा कर्टजाइट, राइट। उसके बाद में आता है लेट, तो लेट से बन गया मेरा स्लेट, ठीक है, लेट स्लेट सेम साउंड है। उसके बाद में क्या है, गणेश कुमार, तो गणेश से मेरा बन गया नीस, GENISSES, स्पेलिंग देख लेना अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो, बाकी इस तरह की एक चट्टान होती है जिसको जेनेसिस बोल दो या नीस बोल दो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा गणेश से, ठीक है, इसका जो साउंड है वो देखेंगे आप तो गणेश जैसा ही लग रहा है कुछ कुछ। और उसके बाद में आता है कुमार, कुमार का मैंने पकड़ा मार, और मार से पकड़ गया मार्बल, ठीक है। तो आपके लिए याद रखना आसान है कि मत कर लेट गणेश कुमार, मत से बन जाएगा मेटामॉर्फिक, कर से बन जाएगा क्वार्टजाइट, लेट से बनेगा स्लेट, गणेश से बनेगा जेनेसिस, और कुमार से बन जाएगा मार्बल, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक जो है वो कौन सी रॉक होती है, तो ये होती है फोलिएटिक, फोलिएटिक रॉक होती है। इसको आप कैसे याद करोगे, तो इसको आप कर सकते हो मेटाफोर, ठीक है, मेटाफोर से याद कर सकते हो। मेटाफोर एक स्टेज होती है कोशिका विभाजन की जो हमने पढ़ी है, तो वहाँ पे आप याद कर सकते हो कि मेटाफोर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना आसान है, मेटाफोर कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, आप जब ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप दिमाग वो चीज़ बता देगा। तो ये जो ट्रिक्स है ना, इनको पढ़ने के लिए, इनको याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप इजीली भी याद रख सकते हो चलते फिरते, इतनी आसान ट्रिक्स हैं ये। उसके बाद में आ जाओ, हम एक ही पन्ना करेंगे एक दिन में, ठीक है, इस तरह से इसको डेली एक एक पन्ने को करेंगे। तो पीछे और भी ट्रिक्स हैं, तो ज़्यादा बताऊँगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा और वीडियो भी लंबा होगा, आप देखोगे नहीं पूरा, तो छोटा छोटा रखते हैं, एक एक पेज को करते हैं। शेल, ये क्या है, ये है कन्वर्जन, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है SSC जैसे एग्जाम में, काफ़ी पूछा जाता है कि जो चट्टाने हैं वो एक्सेसिव हीट और प्रेशर के अंदर जो कन्वर्ट होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। जैसे कि शेल जो चट्टान है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो अब इसको याद रखना भी आपको ज़रूरी है। कैसे होगा, तो देखो ये तो सेम है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, तो शेल का स्लेट हो जाएगा, तो वो तो मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है। और चाहो तो एक कहानी बना दो अपने मन में, शेल को बना दो आप शॉल, ठीक है, शॉल और स्लेट है ही अपना, तो ऐसे कह दो कि भाई शॉल में स्लेट छुपा के ले गया, ठीक है, एग्ज़ाम में मैं टीपने के लिए या चीटिंग करने के लिए शॉल में स्लेट छुपा के ले गया, तो ये आपका दिमाग जो है वो आसानी से याद रख लेगा, इतना मुश्किल नहीं है। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन बदलता है मार्बल में, तो इसको आप कैसे ही कर दो, इसको ऐसे भी कर सकते हो उल्टा भी कि मार और ली, अब इसका आप कहानी कुछ ही बनाओ जैसा आपका दिमाग चलता है, शैतानी दिमाग है तो शैतानी बनाओ, ठीक है। तो मार ली, मैंने उल्टा कर दिया इसको कि मैंने मार ली, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बनता है जेनेसिस, तो ये भी देखिए जी और इसका भी जी यानी कि पहला पहला वर्ड सेम ही है, तो वहाँ से भी ये बन जाएगा। उसके बाद में आता है सैंडस्टोन, ये बनेगा किस में, क्वार्टजाइट में, तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो आप कि सैंडस्टोन से मैंने पकड़ा क्या, सैंड, सैंड का मतलब क्या, मिट्टी, मिट्टी जो है वो क्या करती है, पानी को ठंडा रखती है, तो पानी का मतलब क्या हुआ, एक्वा, AQUA, ठीक है, एक्वा, और एक्वा से बनता है मेरा QUA, देखो सेम सेम है। तो ये सिर्फ हम बनाने के लिए देख सकते हैं कि हम सोचना कैसे है, तो सैंड स्टोन से सैंड पकड़ा, सैंड पकड़ा मिट्टी, और मिट्टी से मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी का जो मटका है वो क्या करता है, पानी को ठंडा रखता है, तो पानी से बन गया एक्वा और एक्वा से बन गया मेरा क्वार्टजाइट।
तो ये कन्वर्जन आप कहोगे कि सर इतना कन्वर्जन एक क्वेश्चन के लिए, तो ये बेटा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होगा ना वो आपका नेगेटिव मार्क खा के जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको ऐसे याद करें। ये कन्वर्जन आपको अभी हो सकता है लंबा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान है, याद रखना मुश्किल नहीं है। जो ये चीज़ें हैं वो आसान नहीं है याद रखना, और आपने देखा भी होगा कन्फ्यूज़न में आप गलत करके आए भी होंगे पिछले एग्ज़ाम्स में, तो वो चीज़ें आप देख के समझ सकते हो कि आपको इनकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ ट्रिक्स हो गई हैं, और एक लेक्चर मैं ऐसा भी ले लूँगा जिसमें मैं आपको डिटेल में ये भी बता दूँगा कि कैसे कैसे होता है। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं, जैसे इग्नियस पे क्वेश्चन आता है और मेटामॉर्फिक पे आता है, इन दो चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। तो एक्सेसिव हीट और प्रेशर की बात होती है तो वो हो जाती है मेटामॉर्फिक, और अगर मोल्टन मैग्मा की बात होती है तो वो इग्नियस है। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक बताऊं मैं, तो इसको कर दो कि आई एम मोटा, मोटा करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल्टन मैग्मा, तो सेम सेम साउंड कर रहा है, तो वहाँ से आप इजीली इमेजिन कर सकते हो कि आई एम मोटा। ठीक है, मैं मोटा हूँ, तो मोटा से आप बना दोगे मोल्टन मैग्मा। और बात करें मेटामॉर्फिक की, तो मेटामॉर्फिक में आप कर दो हीट एंड प्रेशर, तो यहाँ से आप एच पी पकड़ लो कुछ भी, तो आपने बोला क्या दोस्त को कि भाई एच पी का लैपटॉप, एच पी का लैपटॉप मत लेना। ठीक है, ऐसे बोल दिया आपने, क्या बोला कि एच पी का लैपटॉप जो है वो ख़राब होता है, तो एच पी का लैपटॉप मत लेना। तो एच पी यानी कि हीट एंड प्रेशर, और मत लेना का मतलब हो गया मेटामॉर्फिक, तो यहाँ से क्या बन गया कि एच पी का लैपटॉप मत लेना, यानी कि हीट और प्रेशर में जो कन्वर्ट होगी या जो चट्टाने हैं वो, उनका नाम होता है मेटामॉर्फिक चट्टाने। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई बताने नहीं आने वाला, तो आपको जो भी करना है वो यही करना है, और जब रिविज़न करो तो रिविज़न इनकी मदद से करो कि आप कैसे ट्रिक की मदद से सारा जो क्वेश्चन है वो आप निकाल सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने ट्रिक से बना रखी हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है जो आपको थोड़ी बार बार ट्रिक्स याद करनी पड़ जाएंगी, लेकिन कुछ आसान है, जैसे जियो की सिम याद करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, एच पी का लैपटॉप मत लेना, इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हो। ये पहला जो हमारा पेज था रॉक्स का था, काफ़ी आप जब क्वेश्चन करोगे अब इस ट्रिक की मदद से, इसको ऐसे करके देखना आप कि पहले ये ट्रिक्स पढ़ो एक पन्ने की, और फिर आप रॉक्स वाले क्वेश्चन लगाओ पिछले सालों के, जिस भी एग्ज़ाम के लेना ना उसके ले लो, और फिर देखो कितने क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे ख्याल से 98 to 99% क्वेश्चन तो आप करोगे डेफिनेटली, और अगर इतना कर रहे हो तो बहुत है आपके सिलेक्शन के लिए, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ट्राई करो चीज़ें, और उसके बाद देखो चीज़ें अगर होती हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही की हैं और मैंने सिलेक्शन लिया है। डिपार्टमेंट मिलना PWD इतना आसान नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाए मे बी, पर आप अगर ख़राब डिपार्टमेंट अटक जाओगे तो हो सकता है फिर आपको बाकी की लाइफ पूरी वैसे ही निकालनी पड़े। तो बेटर है थोड़ी मेहनत करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो, ये चीज़ें कहीं मिलेंगी नहीं, ये मैंने ही बनाई हुई हैं, ओरिजिनल है मेरी, तो हेल्पफुल थी मेरे लिए, इसलिए आपको भी हेल्प करेंगी डेफिनेटली। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, और रिव्यूज़ लिखें कैसा आपका रिव्यू है, जो भी है आपको मदद इससे मिल रही है नहीं मिल रही है, क्वेश्चंस होते हैं नहीं होते हैं, तो वो आप ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और डेली हम एक एक पेज जो है वो कवर करेंगे, ये पूरी बुकलेट मैं आपकी कवर करवा दूंगा, और इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, बहुत फ़ायदा होगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।